हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विद्या महासागर। आज हम कुछ इंटीग्रेशन से रिलेटेड, कॉची इंटीग्रल रेसिड्यू थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। इससे पहले भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उनको भी देख लेना आप वीडियो जिन्होंने नहीं देखी होगी। तो आज हम टॉपिक जो पढ़ेंगे वो है इंटीग्रेशन राउंड द सर्कल, ठीक है। इससे पहले हम सिंपल इंटीग्रेशन को निकालना सीख रहे थे, अब हम सीखेंगे सर्कल के लिए। तो इसमें है इंटीग्रल ऑफ द टाइप 0 to 2π लिमिट्स की होगी और फंक्शन में साइन थीटा कॉस थीटा होगा। तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा और कॉस थीटा को कन्वर्ट कर देंगे जेड के टर्म्स में और हम यूनिट सर्कल मान के चलेंगे जिसका सेंटर ओरिजिन पे है। तो मॉड जेड इक्वल टू 1 हो जाएगा, जेड की वैल्यू ई की पावर आई थीटा हो जाती है, मॉड हटता है तो डी जेड की वैल्यू आई ई की पावर आई थीटा डी थीटा हो जाएगा, डी थीटा की वैल्यू डी जेड अपॉन आई जेड। कॉस थीटा को हम इस तरीके से लिखेंगे, जब भी हमको फंक्शन में कॉस थीटा या साइन थीटा दिया होगा और साइन थीटा को इस तरीके से लिखेंगे। तो इन ये तो बेसिक था कि हम कैसे इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को देखते हैं तो हमको ज़्यादा क्लियर होगा। क्वेश्चन है कि इवेल्युएट लिमिट 0 to 2π डी थीटा अपॉन 1+ a cos थीटा, जहाँ पर a स्क्वायर जो है बहुत छोटा है 1 से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 0 to 2π लिमिट है, हमें कुछ कन्वर्ट नहीं करना है, डी थीटा को चेंज करना है और cos थीटा को। तो यूनिट सर्कल लेके अगर चलेंगे तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, e की पावर आई थीटा, dz कितना आ जाएगा, आई ई की पावर आई थीटा डी थीटा। तो dz की वैल्यू कितना जाएगी, आई अपॉन dz अपॉन आई जेड डी थीटा। cos थीटा को क्या लेना है, अभी बताया था, z प्लस 1 अपॉन जेड अपॉन 2, ठीक है। अब जो हमारे ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं, हम क्या करेंगे, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ डी थीटा एंड cos थीटा इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कौन सी होगी, ये वाली, ठीक है, इक्वेशन 1 हो गई। यहाँ पे पुट करेंगे तो 0 to 2π लिमिट है, डी थीटा की जगह पे अभी लिखते हैं 1+ a cos थीटा है 1 जेड अपॉन जेड प्लस 1 अपॉन जेड होल 2 डी जेड अपॉन आई जेड, ऐसा ही है। तो 0 to 2π लिमिट हो गई, इन ब्रैकेट को खोल देते हैं और सब कुछ वो कर देते हैं, ये 2 ऊपर चले जाएगा, कितना बचेगा, 2z प्लस ए जेड स्क्वायर प्लस 1z डी जेड अपॉन आई जेड। आई 2 और आई कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएंगे, यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, 0 to 2π लिमिट 2 अपॉन आई 2 अपॉन आई 1 अपॉन 2z प्लस ए जेड स्क्वायर प्लस 1 डी जेड। अब ये जो z था ये z से कैंसिल हो गया, अब हमें क्या करना होता है ना, जो z स्क्वायर का कोफिशियंट होता है उसे 1 बनाना होता है। तो हम यहाँ से a कॉमन ले सकते हैं तो 2 अपॉन ए आई हो जाएगा, 0 to 2π dz अपॉन 1 प्लस 2z अपॉन a प्लस 1 अपॉन a, ठीक है। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 अपॉन ए आई एफ जेड डी जेड, जहाँ पर वेयर एफ जेड कितना है, हमारा एफ जेड है 1 अपॉन ये z स्क्वायर होगा, सॉरी जेड स्क्वायर प्लस 2z अपॉन a प्लस, और ये a था, मल्टीप्लाई होगा तो ये भी होगा और ये 1 बन जाएगा प्लस 1, ठीक है। हमारी एफ जेड की वैल्यू हो गई। अब हम क्या निकालेंगे, इसका पोल निकालेंगे। तो पोल, अब पोल निकालेंगे किसका, पोल किसका निकालना है, पोल के लिए क्या करते हैं, हम नीचे वाले टर्म को 0 के इक्वल कर देते हैं, तो जेड स्क्वायर अपॉन 2z अपॉन a प्लस 1 को 0 के इक्वल कर देंगे। तो यहाँ से हम वो लगा लेते हैं, श्रीधर आचार्य माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 2 अपॉन ए प्लस माइनस अंडर रूट 4 कॉमन आ जाएगा बाहर, तो ये 2 बन जाएगा, तो ये 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 हो जाएगा, 2 कॉमन आके माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस 1 अपॉन ए प्लस माइनस अंडर रूट 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो हम इस रूट को प्लस और माइनस में लिख लेते हैं, ये प्लस में हो गया और ये माइनस में हो गया। अब हमारी इस वैल्यू को हम अल्फा मान लेते हैं, इस वैल्यू को बीटा मान लेते हैं। जो हमारे मॉड ऑफ अल्फा बीटा होते हैं वो 1 के इक्वल होते हैं, तो मॉड ऑफ अल्फा और मॉड ऑफ बीटा, जो मॉड ऑफ अल्फा होगा वो 1 से छोटा होगा, क्योंकि ये वैल्यू क्या होगी, या अगर ये कोई प्लस माइनस माइनस मतलब छोटी आएगी वैल्यू, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगी वैल्यू, यहाँ पे 1 से बड़ी आएगी वैल्यू। तो हमारा जो जेड इक्वल्स टू अल्फा है वो लाई करता है इनसाइड द कर्व। इसके लिए हम क्या निकालेंगे, अगर कर्व के अंदर लाई करता है तो रेसिड्यू,
तो हम निकालेंगे रेसिड्यू z इक्वल्स टू अल्फा के लिए, तो लिमिट जाएगी, ये कल मैं करा चुकी हूँ वीडियो में कि कैसे करते हैं रेसिड्यू, तो आप उसको देख लेना। लिमिट z टेंड्स टू इन्फिनी अल्फा, z माइनस अल्फा अपॉन z माइनस अल्फा z माइनस बीटा। अब ये कैसे लिखा, हमारा फंक्शन क्या दिया हुआ था, हमें हमारा फंक्शन क्या दिया था, हमारा फंक्शन था डी थीटा अपॉन वन प्लस ए कॉस थीटा, और वन प्लस ए कॉस थीटा को हमने कैसा बना दिया, जेड माइनस अल्फा और जेड माइनस बीटा, क्योंकि हमने नीचे के पोल्स निकाल दिए थे, ठीक है। तो हमने इसको इस तरीके से लिखा, तो जेड अल्फा जेड माइनस अल्फा जेड माइनस अल्फा कैंसिल हो गया, बचा क्या, वन अपॉन जेड की जगह पहले जेड माइनस बीटा लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा। तो अब क्या करते हैं, यहाँ से अल्फा माइनस बीटा निकालते हैं, अल्फा की वैल्यू कितनी है, वन अपॉन ए प्लस अंडर रूट वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस वन, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस वन, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, टू अंडर रूट वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, टू अपॉन ए अंडर रूट वन माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। हमारी वैल्यू कितनी आ गई, वन अपॉन टू ये ए इंटू में आ जाएगा इसके साथ, अंडर रूट वन माइनस ए स्क्वायर, यानी कि रेसिड्यू हमारा आ गया ए अपॉन टू अंडर रूट वन माइनस ए स्क्वायर। अब हमारा रेसिड्यू आ गया, तो हम क्या कर सकते हैं, बाय यूजिंग कॉची रेसिड्यू थ्योरम, कॉची रेसिड्यू थ्योरम से हम निकाल सकते हैं वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल। कॉची रेसिड्यू थ्योरम क्या थी, सी एफ जेड डी जेड इज इक्वल्स टू टू पाई आई रेसिड्यू जेड इक्वल्स टू अल्फा, ठीक है, टू पाई आई, ये समेशन होता है। अब हमारा जो वैल्यू थी ऐसी थी, टू अपॉन ए इंटीग्रेशन जीरो टू टू पाई एफ जेड डी जेड, तो टू यहाँ पे इंटू में आएगा टू अपॉन ए आई, और हमारा जो रेसिड्यू आया, रेसिड्यू कितना आया, ए अपॉन टू अंडर रूट वन माइनस ए स्क्वायर, टू से टू कैंसिल हो गया, आई से आई कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया, बचा कितना, टू पाई अपॉन अंडर रूट वन माइनस ए स्क्वायर बचा, और हमारी जो एफ जेड डी जेड यानी कि टू पाई कितनी थी, डी थीटा अपॉन वन प्लस ए कॉस थीटा, और ये हमारा आंसर आ चुका है, ये हमारा आंसर है लास्ट, टू पाई अपॉन अंडर रूट वन माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था इंटीग्रेशन के फॉर्म में जो क्वेश्चन था, डी थीटा को सबको जो हमारे टर्म्स होते हैं उन्हें जेड में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। हमने जेड में कन्वर्ट करा, जेड में कन्वर्ट करके क्या करा, जो पोल्स थे वो निकाले, पोल्स निकालने के बाद हमने अल्फा और बीटा की वैल्यू जो थी देखी कि वन से ज़्यादा है वन से कम, अगर वन से कम थी तो हमने उसका रेसिड्यू निकाल कर कॉची थ्योरम में लगा कर आंसर निकाल दिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारे क्लियर करने के लिए कि कैसे करने हैं क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन है, प्रूव दैट जीरो टू टू पाई इंटीग्रेशन कॉस टू थीटा अपॉन फोर फाइव प्लस फोर कॉस थीटा इज गोज टू पाई बाय टू, जहाँ पे सी जो है हमारा यूनिट सर्कल दिया गया है। यूनिट सर्कल के लिए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं हमारा डी जेड अपॉन आई जेड इक्वल्स टू डी थीटा आएगा, ठीक है, क्योंकि यूनिट सर्कल के लिए हम जो वैल्यू रखेंगे वो डायरेक्ट होगी, ठीक है। अब हमारा जो कॉस टू थीटा है, कॉस टू थीटा को हम मैंने कॉस थीटा के लिए बनाई बताई है वैल्यू। अब कॉस थीटा के लिए क्या करना होगा, कॉस टी टू थीटा यानी कि आई ई की पावर आई टू थीटा इज इक्वल्स टू ऐसा होता है कॉस टू थीटा प्लस आई साइन टू थीटा, ये सबको पता है क्योंकि ई की पावर आई थीटा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है, तो टू थीटा के लिए ये हो जाएगी वैल्यू। अब हम क्या करते हैं कि कॉस टू थीटा इज इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ ई की पावर आई टू थीटा लिख देते हैं, है ना, ऊपर वाले को सॉल्व कर। अब जेड की वैल्यू रखेंगे बहुत लेंथी हो जाएगा, हमें पोल नीचे वाले के निकालने होते हैं, ठीक है। तो क्या करना होगा, यहाँ पे हमें ऐसे लिखना होगा रियल पार्ट ऑफ ई की पावर आई टू थीटा। अब हमने इसलिए ऐसा इसलिए किया ताकि हमें आगे नीचे कैलकुलेशन करने में ईजी हो, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर, क्योंकि ई की पावर आई थीटा जेड होता है, तो इतना हो जाएगा जेड की पावर टू, ठीक है। तो यानी कि जेड कितना होगा, ई की पावर आई थीटा, तभी हमने z की पावर 2 लिखा क्योंकि यहाँ पे e की पावर आई थीटा z है, तो e की पावर 2 हो जाएगा, z की पावर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो हमारा है ऐसे लिखेंगे हम, हमारा ये रियल पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन c z स्क्वायर अपॉन 5 प्लस 4 cos थीटा के लिए तो हम सिंपल लिखेंगे क्या, z 1 z प्लस 1 अपॉन z का होल्ड बाय 2,
तो हम ये लिखेंगे जेड प्लस वन अपॉन जेड का होल बाय टू और डी जेड अपॉन आई जेड। ठीक है, बस ये चीज़ जो है ये नई चीज़ है, रियल पार्ट ऑफ आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर ऊपर कैलकुलेशन करने में हमें क्या होगा, डिफ़िकल्टी होगी, इसलिए हमने रियल पार्ट लेके चल रहे। अगर ये साइन थीटा होता तो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट आ जाता, पर ई की पावर आई टू थीटा ही रहता। अब हम कह रहे हैं कि कॉस टू कॉस थीटा के लिए तो ई की पावर आई आता नहीं है, पर हम क्या कर रहे हैं, पूरा फंक्शन लेके चल रहे हैं, इसलिए रियल पार्ट ऑफ ई की पावर आई टू थीटा हो गया। ठीक है, रियल की पावर, अब यहाँ पर भी रियल पार्ट ऑफ, यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, टू से टू तो कैंसिल हो जाएगा, वन अपॉन आई का आ सकता है कॉमन में, और क्या हो सकता है, बस अभी तो आई आ सकता है, तो ये जाएगा जेड स्क्वायर फाइव जेड प्लस टू जेड स्क्वायर प्लस टू अपॉन होल जेड इंटू डी जेड अपॉन जेड। इस जेड से तो ये जेड कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, रियल पार्ट ऑफ वन अपॉन आई इंटीग्रेशन सी जेड स्क्वायर अपॉन टू जेड स्क्वायर प्लस फाइव जेड प्लस टू। अभी मैंने बोला था कि जेड स्क्वायर का जो कोफिशेंट है वो वन होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से नीचे से टू का कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा वन अपॉन टू आई इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर प्लस फाइव जेड अपॉन टू प्लस वन डी जेड। अब हम इसको कह सकते हैं, इसको रियल पार्ट को हम आर पी ऑफ ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, शॉर्ट में, पर वहाँ पे क्वेश्चन जब एग्जाम में करोगे तो पूरा लिखा रहना रियल पार्ट। ठीक है, ये सी सी ये हो जाएगा आपका एफ जेड डी जेड, जहाँ पर एफ जेड जो है वो कितना है, जेड स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर प्लस फाइव जेड अपॉन टू प्लस वन। ठीक है, अब इसके लिए पोल्स निकालेंगे। पोल्स के लिए क्या करना होता है, नीचे वाले टर्म को जीरो के इक्वल करना पड़ता है, जीरो के कॉल करा सीधा चला एकदम, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू। 25 माइनस 16 कितना होता है, 9, तो ये जाएगा 5 बाय टू प्लस माइनस 9 बाय फोर यानी कि अपॉन टू माइनस 5 बाय टू प्लस माइनस अंडर रूट नहीं 3 बाय टू हो जाएगा अपॉन टू। ठीक है, और हम क्या होगा, प्लस और माइनस दोनों कर सकते हैं, तो प्लस के लिए अगर करेंगे तो ये फोर, और माइनस के लिए करेंगे तो भी फोर, यानी कि कितना हो जाएगा, माइनस का टू अपॉन फोर यानी कि माइनस का वन बाय टू और ये माइनस का टू, हमारी दो वैल्यूज आ गई। अब ये जो वैल्यू है ये कहाँ लाई कर रही है, इनसाइड द सर्कल, यानी कि वन से छोटी वैल्यू है तो ये इनसाइड द सर्कल लाई कर रही है, तो हम इसके लिए क्या निकालेंगे, रेसिड्यू निकालेंगे, और उसके बाद इसी का कॉची रेसिड्यू थ्योरम से प्रूफ करेंगे। ठीक है, अभी हम क्या लिखेंगे, z इक्वल्स टू माइनस वन बाय टू लाइज इन साइड द सर्कल, अगर ये इनसाइड द सर्कल लाई कर रहा है यानी कि करके इनसाइड लाई कर रहा है, तो हम इसके लिए रेसिड्यू निकाल सकते हैं, रेसिड्यू इक्वल्स टू z इक्वल्स टू वन माइनस का वन बाय टू, लिमिट कहाँ से जाएगी, वन बाय माइनस वन बाय टू से, तो ये जाएगा प्लस वन बाय टू, और ये जेड स्क्वायर था, ऊपर था नहीं यहाँ पे फंक्शन एफ जेड, जेड स्क्वायर था अपॉन में ये जो फंक्शन है इसको हमने क्या निकाला है, जेड प्लस वन बाय टू और जेड प्लस टू, हाँ यही निकाला है हमने, जेड प्लस टू, तो लिमिट जेड टेंड्स टू माइनस वन बाय टू जेड स्क्वायर अपॉन जेड प्लस टू बची, तो ये वन माइनस टू का होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन माइनस वन बाय टू प्लस टू, यानी कि वन बाय फोर, टू टू जो फोर थ्री बाय टू, टू से टू गया तो आ जाएगी आपका थ्री बाय ये टू से टू गया तो वन बाय सिक्स आ जाएगी वैल्यू, यानी कि हमारा रेसिड्यू जेड इक्वल्स टू माइनस वन बाय टू की वैल्यू वन बाय सिक्स आ रही है। तो बाय यूजिंग कॉची रेसिड्यू थ्योरम, कॉची रेसिड्यू थ्योरम से हम क्या निकालेंगे, वैल्यू निकाल देंगे जो हमें क्वेश्चन में पूछी गई है, यानी कि प्रूफ पूछा गया, तो एफ जेड डी जेड कितना हो जाएगा, टू पाई आई रेसिड्यू जेड इक्वल्स टू कितना है, माइनस वन बाई टू, टू पाई आई। अब हम अपना फंक्शन देखते हैं, जो हमारी वैल्यू थी वो कितनी आ रही थी, ये तो देखिए इंटीग्रेशन से पहले वन बाई टू पाई टू आई आ रही है, तो हम यहाँ पे इंटू वन बाई टू आई लिखेंगे, फिर रेसिड्यू की वैल्यू वन बाय सिक्स, तो ये कितना बचेगा, पाई बाय सिक्स, और यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या था, जीरो टू टू पाई, ठीक है। अब यहाँ पे
हमने क्या लिखा था, cos 2 थीटा प्लस i sin 2 थीटा अपॉन में क्या था 5 प्लस 4 cos थीटा d थीटा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे रियल पार्ट को, क्योंकि हमने रियल पार्ट के लिए निकाला था, कंपेयरिंग रियल पार्ट। रियल पार्ट कौन सा है, cos 2 थीटा वाला, तो 0 टू 2 पाई लिमिट गई, cos 2 थीटा d थीटा अपॉन 5 प्लस 4 cos थीटा, और इधर भी रियल पार्ट आ रहा है तो पाई बाय 6 हेंस्ड रूट, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, बहुत इजी है क्वेश्चन, बिल्कुल एक जैसे ही है सब, बस cos थीटा और sin थीटा का थोड़ा ध्यान रखना है, बाकी सब सेम है। तो अब हम एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, वो भी बहुत इजी सा है, समझ में आ जाएगा आपको और भी अच्छे से। तो देखिए क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई डी थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन रूट 3 दिखाना है। अब इसमें कुछ नहीं दिया तो यूनिट सर्कल होगा। अब dz की वैल्यू कितनी होती है डी थीटा की, dz अपॉन iz, cos थीटा को हम यहाँ रखेंगे, पुटिंग करेंगे वैल्यू कहाँ इक्वेशन 1 में। तो हमने इक्वेशन पुट करी, क्वाड्रेटिक बनाई, z को क्या होता है कोफिशिएंट 1 चाहिए होता है, 1 था इसमें, हमें इसमें कुछ नहीं करना पड़ा, 2i अपॉन fz dz हो गया, यहाँ पे fz जो होता है 1 अपॉन z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 1 हो गया। आप एक बार वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख लेना, मैं इसलिए जल्दी बता रही हूँ कि इससे पहले मैंने क्वेश्चन करवा चुकी हूँ, और क्या बोलते हैं बहुत इजी है क्वेश्चन। ठीक है, फिर हमने पोल्स निकाले, इसके पोल्स हमारे अल्फा और बीटा के टर्म्स में आए, यहाँ पर माइनस है ये, ठीक है, ये वाला टर्म जो था छोटा आ रहा था, ये बड़ा आ रहा था 1 से, तो हमने अल्फा के लिए वैल्यू निकाली इनसाइड द कर्व, रेसिड्यू निकाला, रेसिड्यू निकाल के हमारी वैल्यू आ रही थी रेसिड्यू की 1/2√3। हमने फिर क्या करा, कॉची रेसिड्यू थ्योरम लगाकर जो हमारी वैल्यू थी पुट करी, ठीक है, 2/i पीछे था और ये रेसिड्यू की वैल्यू 1/2√3 आ रही थी, 2 से 2 गया, 2π/√3 बचा, और यही हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन में देखिए प्रूफ क्या करना था, 2π/√3, यही हमारा आंसर है। ठीक है, एक बार आप अच्छे से पॉज करके इसकी देख लेना आप, और जिसको भी मतलब PDF चाहिए होगी तो वो टेलीग्राम चैनल पे आप जाके देख लेना, विद्या महासागर अगर आप सर्च करेंगे तो आपको पुरानी सारी मैथ्स की वीडियोस, करंट अफेयर्स, GK, जितनी भी मैथ्स की वीडियोस बनाएंगे आपको उनकी PDF मिल जाएंगी। ठीक है, और अगर कोई इशू हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, आगे भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस मिलती रहेंगी, देखते रहें। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, सी यू।